खुशहाल कामगार मजबूत भारत का आधार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर पिछले 3 सालों में श्रम और रोजगार मंत्रालय के महत्वपूर्ण कदमों से न्यूनतम मजदूरी में 42% की बढ़ोतरी हुई है। बोनस की पात्रता के लिए आय की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 21,000 किया है। ईएसआईसी के लाभार्थियों की संख्या 52% बढ़ी है। 60 लाख नए कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हैं। 6 लाख से अधिक प्लेसमेंट हुई हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम करवाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। मातृत्व अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया है। देश का विकास तभी संभव है जब सभी लोगों के पास रोजगार हो और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बने। इसी समावेशी विकास के सिद्धांत पर मंत्रालय ने 3 प्रमुख बिंदुओं पर काम किया है। मजदूरों की दशा सुधारने पर, कामगारों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने पर और कामगारों को रोजगार सुरक्षा की गारंटी पर। पहले जो पैसा आती थी वो पैसा पता नहीं चलता था कि किधर आया किधर गया, क्योंकि नगद कैश आता था। अब जो है पहले से अच्छा है, इसलिए कि हमारा खाते में ट्रांसफर पैसा होता है और हाल ही में हमारा मजदूरी भी बढ़ गया है। ज़्यादा बचत होने से हम ज़्यादा घर पे पैसा भेज रहे हैं, इसमें हमारा मम्मी पापा भी खुश है और हम भी खुश हैं। मंत्रालय ने वेतन भुगतान अधिनियम 2017 के तहत कर्मियों के मेहनताने का भुगतान बैंक खातों के जरिए करने की अनुमति दी है। इस अधिनियम से भुगतान उचित और पारदर्शी हुआ है, साथ ही अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला है। मंत्रालय के 2 महत्वपूर्ण विभागों ईपीएफओ और ईएसआईसी ने कामगारों के सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लागू होने के बाद कर्मचारी देश में कितनी भी नौकरियां बदलें, उन्हें अपना भविष्य निधि खाता स्थानांतरित करवाने की जरूरत नहीं होगी। उनका आजीवन एक ही खाता नंबर सभी जगह रहेगा। सरकार ने ईपीएफ सदस्य के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह सुनिश्चित कर दी है और पेंशन धारक अब अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। मृत्यु के दावों को 7 दिनों के भीतर संसाधित करने और सेवानिवृत्ति के दावे का निपटारा सेवानिवृत्ति के दिन ही किया जाना निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने पूरे भारत में अधिक से अधिक लोगों तक ईएसआईसी का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बीमा धारकों की संख्या 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गई है। ईएसआई लाभार्थियों की संख्या भी 8 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ हो गई है। पीपीपी मॉडल पर कैंसर जांच एवं उपचार, हृदय रोग उपचार, डायलिसिस, एमआरआई, पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। नरेंद्र मोदी जी का सरकार ये पहली बार एक कदम उठाई है कि जितने भी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को हम इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर्स में लाए हैं। अब उनको भी ईएसआईसी में सुविधा दिया जाएगा और ईएसआईसी का भी कार्य जो है देश भर में विस्तार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। ईएसआईसी से हमें बहुत कुछ लाभ है, अगर ईएसआईसी ना होता तो मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, और ईएसआईसी ही जैसे मेरा नुकसान होता है, ड्यूटी नहीं जाता हूँ, वो पेमेंट ईएसआईसी भरती है। मंत्रालय के द्वारा पहली बार नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए विशेष योजना प्रस्तुत की है, जिससे 60 लाख नए कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में शामिल हो गए हैं और 77,000 नियोक्ताओं और 90 लाख कर्मचारियों को ईएसआई योजना के तहत शामिल किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सभी के लिए घर 2022 तक के तहत ईपीएफओ ने नए प्रावधान लागू किए हैं, जिसके तहत ऐसी सहकारी समितियां स्थापित की जा सकती हैं, जिनके जरिए पीएफ सदस्य अपनी भविष्य निधि को निकलवा सकते हैं। एकीकृत संशोधित आवास योजना के तहत गैर कोयला खनन कामगारों, सिनेमा कर्मचारियों, बीड़ी कर्मियों के लिए
आवास अनुदान को 40,000 से बढ़ाकर 1,50,000 कर दिया गया है। हर कामगार के लिए सिर के ऊपर छत के साथ साथ उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों में औद्योगिक सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी आई है। वहीं सिलिकोसिस जैसे असाध्य रोगों की जागरूकता के लिए शिविर लगाए जाते हैं तथा खदानों में आपदाओं से सुरक्षा हेतु कई कृत्रिम अभ्यास भी करवाए जाते हैं, जिससे नुकसान को कम किया जा सके। मंत्रालय ने कामगारों के साथ नियोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखा है। 2014 में मंत्रालय ने श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत की। इसके विभिन्न श्रम कानूनों की जानकारी एक ही जगह आसानी से उपलब्ध होती है। इसके अलावा विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत अलग अलग रिटर्न दाखिल करने की बजाय सिंगल ऑनलाइन कॉमन वार्षिक रिटर्न फॉर्म भरने के साथ EPFO और ESIC के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमन रिटर्न को विकसित किया गया है। 21 फरवरी 2017 को सरकार ने नोटिफाई किया है कि एम्प्लॉयर को श्रम कानून के तहत 56 की जगह सिर्फ 5 रजिस्टर ही बनाने होंगे। ये व्यवसाय को सरल करने में उद्यमियों की बड़ी मदद करेगा। मॉडल दुकान तथा प्रतिष्ठान विधेयक 2016 राज्यों के लिए एक एडवाइजरी है, जिसके तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों को वर्ष में 365 दिन काम करने की आजादी है। महिलाएं भी पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में काम कर सकती हैं। भारत का युवा ही भारत का भविष्य तय करेगा और इसी बात को ध्यान में रखकर मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को लागू किया है, जिसमें सरकार नियोक्ता द्वारा भर्ती नए कामगारों के लिए 3 वर्ष की अवधि तक वेतन का 8.33% EPF अंशदान के रूप में भुगतान करेगी। इस योजना से 2000 से अधिक प्रतिष्ठानों को लाभ मिला है और 80,000 से ज्यादा नए कर्मचारी इस योजना से जुड़े हैं। PF डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयर शेयर है उसको वो रिफंड कर रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मुहिम है गवर्नमेंट की न्यू एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। इन सभी परिवर्तनों को करते हुए मंत्रालय सार्थक व कुशल तौर तरीकों से युवाओं को भागीदार बनाकर देश के भविष्य को सुरक्षित बना रहा है। आने वाले दिनों में पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों की तादाद में वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और अगले दशक में हमारे पास 4-4.5 करोड़ के करीब लोग सरप्लस होंगे वर्कफोर्स हमारे पास। अगर हम ये मिसमैच को दूर करते हैं, हम आवश्यकता के अनुसार उसको तैयार करते हैं, तो हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए अवसर। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना इसी मिशन के तहत नियोक्ताओं और बेरोजगारों के बीच सेतु का काम कर रही है, जिससे NCS पोर्टल पर 4 करोड़ उम्मीदवार व 15 लाख प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। 6 लाख से अधिक नियोजन यानी प्लेसमेंट जुटाए गए और 540 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किए गए। प्रमुख रोजगार पोर्टलों, नियोजन संगठनों और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सामरिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकारी रिक्त पदों को NCS पोर्टल पर डालना अनिवार्य किया गया है। 100 मॉडल कैरियर केंद्रों की स्थापना की गई है। मेरा नाम बबलू है, मैं कटिहार से हूँ। पहले मुझसे एक फैक्ट्री में काम करवाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं स्कूल भी जाता हूँ और मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर पुलिस में भर्ती हूँ और अपने देश की सेवा करूँ। भारत में बच्चों के बचपन को सुरक्षित बनाने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 को लाया गया है। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने पर पूर्ण पाबंदी है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 लाया गया है। इन संशोधनों से कामकाजी महिलाओं की दशा में सुधार आएगा। मेरे पहले बच्चे के समय मुझे जॉब और फैमिली में से चूज करना पड़ा,
पर अब मेरे दूसरे बच्चे के समय मुझे 6 महीने की मटर्निटी लीव मिली है, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे के साथ साथ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रख सकती हूँ। इन संशोधनों के बाद कामकाजी महिलाएं अपनी नौकरी जारी रख सकती हैं और नई महिलाएं रोजगार से जुड़ सकती हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उठाए गए ये महत्वपूर्ण कदम कामगारों को सशक्त बनाने में सहायक होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन मेक इन इंडिया को भी सार्थक बनाने में सहायक बनेंगे। इसके अलावा इन बदलावों से एक नए भारत का निर्माण का रास्ता मजबूत होगा, जिस पर चलकर भारत विकास की नई बुलंदियां तय करेगा। खुशहाल कामगार मजबूत भारत का आधार।